सुरेश और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल डिजिटल टेक्निकल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि परिवार पहचान वेबसाइट में अगर आपको फोन नंबर चेंज करना है तो आप किस तरीके से कर पाओगे। ये वीडियो जो VLE है उनके लिए भी है, अगर वो देखेंगे तो यहाँ पर सीख पाएंगे कि किस तरीके से हम जो अपना मोबाइल नंबर है वो कैसे चेंज कर पाएंगे। अब डे बाय डे परिवार पहचान पत्र की जो वेबसाइट है उसमें चेंजेस होते जा रहे हैं और कुछ फील्ड ऐसे हैं जिनमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। तो वैसे ही आप मोबाइल नंबर को भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर हम उसे चेंज करना चाहेंगे तो जो अब मैं इसमें बताने वाला हूँ प्रोसेस, वो प्रोसेस हमें फॉलो करना पड़ेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे आप अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी जानकारियां मैं समय समय पर YouTube पर शेयर करता रहता हूं। तो जो चैनल है मेरा डिजिटल टेक्निकलर, तो उसे आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आइए मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। जो वीडियो है उसे आप स्किप ना करें, पूरी इंफॉर्मेशन आपको फुल वीडियो देखने के बाद ही मिलेगी। तो आइए कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों, परिवार पहचान पत्र आईडी में आपको अपना नया मोबाइल नंबर अपडेट करना है तो उसके लिए आपको परिवार पहचान पत्र की वेबसाइट पे जाना होगा और वहाँ पे लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद में आपको अप्लाई फॉर PPP पर क्लिक करना है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। उसके बाद जो ड्रॉप डाउन बॉक्स आएगा वहाँ पे सबसे नीचे अपडेट मोबाइल नंबर पे क्लिक करना होगा। उसके बाद में यहाँ पे सर्च बॉक्स आएगा और यहाँ पे आपको फैमिली आईडी देनी होगी। फैमिली आईडी देने के बाद में सर्च पे क्लिक करें। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो नीचे जो आपकी फैमिली आईडी है उसकी पूरी डिटेल नीचे लिस्ट में आ जाएगी। इस लिस्ट में से जिस भी मेंबर के लिए आपको मोबाइल नंबर अपडेट करना है उस मेंबर को आप चूज करेंगे और अपडेट मेंबर मोबाइल ठीक उसी मेंबर के सामने जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में एक बॉक्स ओपन होगा, यहाँ पे आपको पूरी डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले आपको अपना आधार नंबर का जो पहले 4 डिजिट हैं वो यहाँ पे देने हैं और न्यू मोबाइल नंबर देना होगा और सेंड OTP पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो आपने ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है फैमिली आईडी में वहाँ पे OTP पहुँच जाएगा। OTP जब चला जाएगा तो आप बॉक्स में OTP को डालेंगे। OTP डालने के बाद में वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करते हैं तो OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली का मैसेज आपको स्क्रीन पर दिखेगा। उसके बाद आपको अपडेट मोबाइल पे क्लिक करना होगा। अपडेट मोबाइल के बाद रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली आपको मैसेज दिखाई देगा और यहाँ पे आपको ओके पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आप आसानी से अपना नया मोबाइल नंबर पुराने मोबाइल नंबर की जगह पे चेंज कर सकते हैं परिवार पहचान पत्र की आईडी में। तो फ्रेंड्स, यह था मेरा वीडियो जिसमें मैंने पूरी कोशिश की है कि आप ये प्रोसेस समझ गए होंगे किस तरीके से आप अपना मोबाइल नंबर फैमिली आईडी में चेंज करवा सकते हो या कर सकते हो। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ में। वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना। Bye-bye.